हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी भी एक बारिश स्पेशल रेसिपी है और ये हम ब्रेड पकोड़ा बनाने वाले हैं। बहुत ही यूनिक स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि हर जगह जहां पर जैसे ये मिलते हैं हम वैसे नहीं बनाने वाले हैं। थोड़ा सा स्टाइल इसका हमने अपने हिसाब से चेंज कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए और पूरा प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें ले लेना है ब्रेड के स्लाइसेस। तो ये थोड़े से पुराने हो गए हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास बहुत पुराने ब्रेड हो, मतलब थोड़े से 8-10 दिन पुराने हो गए हो, थोड़े से ड्राई हो गए हो, तो आप भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के से इसको सोक करना है पानी में और हल्का सा इसको प्रेस करना है। इसका सारा जो पानी है वो निकाल देना है और इसके बाद एक बॉल में ट्रांसफ़र करते जाना है। ठीक है, मैंने ये 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी क्वान्टिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी उसको चॉप करके रखा हुआ था, उसी में डायरेक्ट डाल दी जाती हूँ क्योंकि बाद में हमें प्याज इसी में ऐड करना है। ठीक है, बाकी के सारे ब्रेड्स को भी मैं इसी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी सारा पानी, और इसमें हल्का सा डिप करना है आपको। ज़्यादा देर तक नहीं इसमें पानी में रहने देना है, क्योंकि ज़रा से में ये जो है वो ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। चलें जी, तो ये धीरे धीरे करके हमने, और नॉर्मल वाटर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ गर्म पानी लेना है या ठंडा पानी लेना है। तो लास्ट वन भी हमारा हो चुका है और इसके बाद हमने जो है प्याज इसमें ऑलरेडी डली हुई है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप्ड टमेटोज यानी कि टमाटर। तो ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था और ये सब ऑप्शनल है, आप जितना अपने हिसाब से वेजीज डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल दें। इसके बाद जाएगा इसमें खूब सारा हरा धनिया। चलिए जी, और इसके बाद हम थोड़े से ड्राई पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम जाएगा इसमें फेनल सीड यानी कि सौंफ। के बाद इसमें डालेंगे हम नमक। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें। और फिर जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, और लाल मिर्च का भी। चाट मसाला जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, और चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें एक बाइंडिंग एलिमेंट चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर बेसन यूज़ किया है। और ये जो दही है इसका जो पानी वाला पोर्शन होता है वो हमने इसमें इससे जो है मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आप दही डाल दें 1 टेबल स्पून के करीब, और इसके बाद हम जो इसको मिक्स करेंगे तो ये दही का जो पानी है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ज़्यादा हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो टमाटर वगैरह है उसका पानी इनफ होता है, ज़्यादा हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसका हम एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे जैसे हम भजियों का बनाते हैं। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, बेसन आपको कितना डालना है ये अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको जब फ्राई करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसन कम है या ज़्यादा है। ठीक है, कम हो जाएगा तो ये आपके जो पकौड़े हैं वो तेल के अंदर बिखरने लगेंगे, तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन और मिला लिएगा जिससे कि ये अपनी बाइंडिंग पोजिशन में आ जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, और अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। छोटे छोटे से आप इसके पीसेस गोले आप बना लें और इसमें फ्राई कर लें। ठीक है, इसको ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर नहीं इसको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें आप। और ये देखें जी, हमारे जो बेसन था इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। अगर इसमें बेसन कम होता तो ये जो पीसेस हैं वो अलग अलग हो जाते, बिल्कुल बिखर जाते, क्योंकि हमने इसमें दही डाला हुआ है। इसलिए आप, अगर आपकी ये बिखरने लगे पकौड़े तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, मैं नाइफ़ की हेल्प से इसको पलट पलट कर लेती हूँ, और इसके बाद जो है मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसमें दही की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें आपको नींबू डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दही जो है और चाट मसाला जो हमने डाला है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा भी आपको जो चीज़ पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स ऐड कर सकते हैं आप, या कैप्सिकम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फाइनली निकाल लेते हैं, और इसको गर्मा गर्म आप मायोनीज के साथ सर्व करें, या किसी ग्रीन चटनी के साथ आप, या सॉस के साथ आप सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत क्रंची बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने बेसन जो है सिर्फ इसको बाइंड करने के लिए मिलाया, इसलिए वो ज़्यादा नरम नहीं होते। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।